मनोज जायसवाल, मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष हूँ, गोपागंज नगर का रहने वाला हूँ। देखिए, गोपागंज नगर हिंदू आस्था का केंद्र रहा है, लेकिन जिन लोगों के हाथ में आज रामलीला कमेटी चल रही है, मैं सही तरीके से बताऊं तो ये विमान जो जा रहा था राम जी का, 9 दिन चलता है, उसमें देखिए जो सदस्य हैं 40 की संख्या के औसत में हैं, कुछ काल्पनिक बनाए भी गए हैं पैसा लेके, लेकिन सवाल है कि उनके साथ चलने वाले रथ यात्रा में 20 भी नहीं रहते हैं। किसके साथ चलने वाले? रामलीला कमेटी के जो रथ जो चलती है उन लोगों के में नहीं चलती है। किसी तरह ये लोग बैठक करके फर्जी दस्तखत करके ऐसे तैसे इतनी सीट कर लेते हैं। 15 साल के औसत से रामलीला कमेटी गोपागंज रिन्यूअल नहीं हुई है। बड़ा दुख होता है, ये हमारी संस्था है, बुजुर्गों ने बचा के लेके आया है, लेकिन श्री हरिशंकर जायसवाल करीब 12 साल अध्यक्ष रहे और उनको जबरदस्ती, मैं तो यहां तक कह लूंगा कि सदर के विधायक मुख्तार अंसारी के दबाव में, क्योंकि हरिशंकर जी का मऊ में बिजनेस है, तो किसी तरह पद को उनको हटा के अब बिना प्रस्ताव के एन केन कोटा पूरा कर लिया गया और बनाया गया अध्यक्ष उनको। श्री अजय यादव जी लगभग 3 साल से अध्यक्ष हैं, उनके साथ कोई भी बाजार का बनिया समाज कोई चलने को तैयार नहीं है, उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, वो हिंदू आस्था पर विश्वास नहीं करते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज भी करने वाले व्यक्ति हैं। तो सवाल उठता है कि अब बैंक का जो अकाउंट है रामलीला कमेटी का, उसमें हरिशंकर जायसवाल जी का नाम है, वो अगर आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जो है हरिशंकर जायसवाल जी ही हैं, और इनको दबाव देके किस तरीके से कुछ लोगों ने बना दिया। तो अजय जी अपना काम कर रहे हैं, साथ में कोई चलने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल है कि आप पूरे नगर से पैसा आप लेते हैं पूरे नगर से, और कहते हैं कि किसी अरे गहरे को हम हिसाब नहीं देंगे, जिसको आना हो तो हमारे कार्यालय में आ जाए। अब इनका कार्यालय कहाँ खोजेंगे हम लखनऊ दिल्ली में, बताइए कार्यालय कहाँ है? ठीक, हम तो चिटफंड अधिकारी से विभाग से जो होगा हम तो लेने का प्रयास करेंगे और लेंगे जरूर, लेकिन सही बात है कि अगर सर्व समाज से आप चंदा लेते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे नगर से सर्व समाज के लोगों को, जो अच्छे परिवार से लोग हैं, उनको इसमें शामिल करना चाहिए, उनको दायित्व देना चाहिए कि हमारा रामलीला कमेटी जो हमारी धरोहर है, पुरखों ने बचा के रखा है, वो अच्छे से चले। सबकी है, उनमें सोनकर हैं, शर्मा हैं, विश्वकर्मा हैं, बर्नवाल हैं, अग्रवाल हैं, तमाम जातियां हैं यहाँ पर निवास करती हैं, सबको रखो ना भैया, क्या दिक्कत है? क्यों सिर्फ उन्होंने गुप्ता जायसवाल, मैं भी जायसवाल हूँ लेकिन मैं विरोध कर रहा हूँ, जात समीकरण से सबका समावेश होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। मैं बार बार अपनी बात उठा रहा हूँ, मैं प्रदेश स्तर पर यह बात लेके चला गया हूँ, मैंने राम जी की आस्था रखता हूँ और मैंने यही किया है कि कोई अड़चन ना आवे, लोग बाजार से चंदा लें, जैसे तैसे कार्यक्रम इनका सफल हो जाए। मैं भगवान राम जी से प्रार्थना करूंगा कि श्री अजय यादव जी और श्री हरिशंकर जायसवाल दोनों लोग अपना सब कुछ कर चुके हैं, दोनों लोग स्वविवेक अपना पद त्यागते हुए रफा दफा हो जाएं और नए लोगों को अवसर दें।